जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्ते। आप देख रहे हैं समाधान स्टडी। तो गाइस, नीट वालों बच्चों के लिए अपडेट आ चुकी है, उनको जो है स्कोर कार्ड से रिलेटेड। तो गाइस, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग नीट वाले स्टूडेंट हैं तो देखिएगा, ध्यानपूर्वक इस न्यूज़ को सुनिएगा। नीट पीजी 2021 9 अक्टूबर को जारी होगा नीट पीजी का स्कोर कार्ड, रैंक कार्ड। डाउनलोड करने के लिए आपको ये स्टेप में जो बताऊंगा उसे फॉलो करना है, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पर आप लोग देखिए क्या कहा है इन्होंने, ये जो जानकारी हमारे पास पहुँची है, देखिएगा। इसने कहा है कि नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब आपका नीट पीजी 2021 स्कोर कार्ड जारी करने के लिए तारीख घोषित कर दी है। ऑफिशियली नोटिस जो है आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। स्कोर कार्ड आपका 9 अक्टूबर को जारी होगा और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देखिए क्या है, nbe.education.in, दिख रहे आप लोग। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से आप लोग इसकी ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड जो आपका नीट का एग्जाम कराता है। अभी नहीं है, 9 अक्टूबर को यहाँ पर अपडेट आएगी। अभी जो है आपका न्यूज़ पर आ चुकी है कि अपडेट आपकी आने वाली है, ठीक है। टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर कैंडिडेट को नीट पीजी स्कोर काउंसलिंग प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। तो गाइस, यह काउंसलिंग प्रोसेस कहाँ से होगी और कब होगी, तो 9 अक्टूबर के बाद होगी। इसके लिए प्रॉपरली मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपको किस तरीके से कौन सा कॉलेज चूज़ करना है, कैसे काउंसलिंग होगी, कितना स्कोर कार्ड रहना चाहिए और कितना स्कोर कार्ड वाला काउंसलिंग कर सकता है, इस पर सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। रैंक कार्ड का नाम मतलब कार्ड में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, रोल नंबर, जन्म तिथि, कैटेगरी, स्कोर होगा 800 में से कितना स्कोर आपने लाया है और क्या होगा परीक्षा में प्राप्त जो है रैंक, जिसे डिटेल मेंशन होगी वह रहेगा। और देखिए, आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई उम्मीदवार यूज़र आईडी पासवर्ड दर्ज करेंगे और आपका क्या लिखा है, नीट पीजी स्कोर कार्ड 2021 डाउनलोड करने के लिए क्या होगा, नीट पीजी स्कोर कार्ड 50% जो है आपका अखिल भारतीय कोटा सीटों के लिए जारी होगा। और देखिएगा, अभी मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से क्या क्या करना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा एनबीई की ऑफिशियल साइट, जो मैंने आपको लिंक में दे रखा है, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा मैं, उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, ये जिसकी वेबसाइट लिखी हुई है। उसके बाद जाना है नीट पीजी 2021 टैब पर क्लिक करना है। वेबसाइट पर वेबसाइट पर पूछने पर नीट पीजी 2021 एप्लीकेशन लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, कैंडिडेट यूज़र आईडी और उसमें पासवर्ड, जो आपने यूज़र आईडी बनाया था फॉर्म डालते समय और पासवर्ड बनाया था वह डालना है। उसके बाद क्या होगा, आपको जो है स्कोर कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो उसके लिए मैं प्रॉपरली एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग करना है। तो आप लोग अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आगे सभी प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लाने वाला हूँ। तो चलेगा, जय हिंद गाइस। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नमस्ते, जय हिंद।